भोजपुरी एक्टर जितनी बार फिल्में करते हैं उनके परिवार के सदस्य हर फिल्म में अलग होते हैं, लेकिन आज हम आप सबको मिलाने वाले हैं भोजपुरी सुपरस्टारों के असल परिवार से, जिनसे आप सब कभी नहीं मिले। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप सब हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आदमी कामयाब तब बनता है जब कोई उसे सपोर्ट करता है, और परिवार से बड़ा सपोर्टर कोई नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले आप सबको मिला देते हैं मनोज तिवारी के परिवार से। मनोज तिवारी 5 भाई हैं और अपने सभी भाइयों में मनोज तिवारी सबसे आगे निकले और इतना नाम कमाए। सुपरस्टार बन जाने के बाद मनोज तिवारी ने रानी से शादी रचाई और कुछ सालों के बाद इनका तलाक हो गया और अभी अपनी बेटी और माँ के साथ रहते हैं। इनकी माँ गांव पे रहती हैं और मनोज तिवारी अपनी बेटी को अपने साथ रखते हैं। अब आप सबको मिला देते हैं रवि किशन के परिवार से। तो रवि किशन का परिवार भी बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन अपने परिवार वालों की कोई भी तस्वीर रवि किशन ने पोस्ट नहीं की है, जो सभी गांव पर रहते हैं। रवि किशन अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ मुंबई में रहते हैं। जी हां, रवि किशन 4 बच्चों के पिता हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। और रवि किशन के पिता का निधन हाल ही में हुआ, जिस वजह से वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। अब बात कर लेते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के परिवार की। तो निरहुआ का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं है। जी हां, निरहुआ 2 भाई हैं और दोनों ही भाई मुंबई में रहते हैं अपने परिवार के साथ, और निरहुआ की माँ गांव पर रहती हैं। निरहुआ ने गांव पर बहुत ही आलीशान घर बनवाया है अपनी माँ के लिए, ताकि उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। अब आप सबको मिला देते हैं पवन सिंह के परिवार से। पवन सिंह का भी परिवार निरहुआ के परिवार की ही तरह बहुत छोटा है। जी हाँ, पवन सिंह 2 भाई हैं। पवन की बहन की शादी हो चुकी है और पवन सिंह के पापा का भी निधन हो चुका है। पवन की माँ है जो गांव पर रहती हैं अपने बड़े बेटे के साथ, और पवन सिंह मुंबई में रहते हैं। और ये रही इनके पूरे परिवार की तस्वीर। अब आप सबको मिला देते हैं खेसारी लाल यादव के परिवार से। तो खेसारी का परिवार बहुत बड़ा है। जी हाँ, खेसारी 7 भाई हैं और इनके 6 भाइयों की तस्वीर सामने नहीं आई है। सिर्फ खेसारी के माँ पिताजी और इनकी पत्नी और बच्चों की ही तस्वीर सामने आई है। खेसारी के सभी भाई और माँ पिताजी गांव पर ही रहते हैं और खेसारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई में रहते हैं। अब आप सबको मिला देते हैं चिंटू पांडे के परिवार से। तो इनका परिवार बहुत छोटा है। इनके परिवार में सिर्फ इनके मम्मी पापा और चिंटू पांडे हैं। चिंटू के पिता भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर हैं और इनकी माँ एक हाउसवाइफ हैं। अब बात कर लेते हैं कल्लू के परिवार वालों की। तो कल्लू का परिवार भी काफी बड़ा है। कल्लू 4 भाई हैं। कल्लू ने गांव पर एक आलीशान घर बनवाया है जहां इनकी मम्मी पापा इनके 3 भाई और भाभी रहती हैं, और कल्लू खुद मुंबई में रहते हैं। और अब आप सबको मिला देते हैं रितेश पांडे के परिवार से। तो रितेश पांडे के परिवार में इनके मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं और भतीजा भतीजी हैं। तो इनका भी परिवार ज्यादा बड़ा नहीं है। रितेश पांडे ने बनारस में घर खरीदा है और वहीं अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। इनकी एक बहन भी है जिनकी शादी हो चुकी है। वेल, तो आप सभी मिले भोजपुरी सुपरस्टारों के परिवार वालों से। आप सबको इनका परिवार कैसा लगा बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।